विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बयानबाजी का दौर जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस तूतू मैमे में नेता बदजुबानी करने से भी बाज नहीं आ रहे। इस रेस में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आगे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिस पर सियासी घमासान मचनाताए हैं। बीजेपी नेता अक्सर बयानबाजी करते हुए शब्दों की मर्यादा भूल बैठते हैं। अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को ही देख लीजिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर इस कदर बरसे कि राहुल को कुतर्कों का मवाली ही बता बैठे। दरअसल नकवी राहुल गांधी के उस चैलेंज पर बरस रहे थे जिसमें उन्होंने रफाल पर पीएम मोदी को 15 मिनट बहस करने को कहा था। उनकी इस चुनौती पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी कुतर्कों के मवाली की भूमिका में आ गए हैं। वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिसके कोई मायने ही नहीं होते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब उनके कहने के ये एकमात्र चीज यह बची है कि ब्रह्मांड, समुद्र, भूमि ये सभी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इस तरह के अहंकार को कभी नहीं देखा। वैसे आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी पहले भी राहुल गांधी पर इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति पर पप्पू से लेकर गप्पू तक का सफर झूठ का झुंझुना लेकर शुरू हुआ हो, वह इस तरह की बहकी बहकी बेसुरी और बेहुदा बातें करेगा। घोटाले की गुरु घंटालों को हर टाइम घोटाला ही नजर आएगा। देश का विकास, प्रगति और सुशासन नहीं। वह अब केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष को मवाली कहा है। ऐसे में कांग्रेस क्या पलटवार करती है, यह देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।